वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बोला गया है बहुत शानदार बात, ध्यान से सुनेगा, जहां मेहनतों की ऊंचाई ज्यादा होती है वहां किस्मतों को भी अक्सर झुकना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा मांझी मूवी, मांझी मूवी में क्या दिखाया गया कि इंसान जो है वो अपने काम के पीछे इतना पागल हो चुका है कि उसको कुछ भी हो जाए ये पर्वत तोड़ना ही है, इस पर्वत में से उसको तोड़कर रास्ता बनाना है। गांव में सूखा पड़ गया, लोग छोड़कर जा रहे हैं, पर इंसान जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है जिंदगी में। बस उसने ठान रखा है कि तोड़ना है तो तोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस तरीके का पागलपन जिंदगी में आप लोग के आ गया ना, इस तरीके का पागलपन आप लोग के गोल के लिए आप लोग के दिमाग पर चढ़ गया ना, तो आप लोगों का गोल जो है वो आप लोग को अचीव करने से इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने आप को इस तरीके से रखो कि आप लोगों का गोल आप लोग के माइंड में घूमता रहे, आप लोगों को इतनी एनर्जी देता रहे कि आप लोगों को हमेशा अपने काम को करने के लिए आतुरता अंदर से आती रहे। तो इसी तरीके से आप लोग अगर काम को करते रहेंगे तो आसानी से अपने गोल को लाइफ में अचीव कर पाएंगे। और यार ये तो चीजें आप लोगों ने देखी भी होगी ना, कई बार लोग बोल देते हैं कि यार ये तो पागल इंसान है। तो पागल इंसान उसी को बोला जाता है जो इंसान जो है वो अपने काम में खो गया है। तो इसका मतलब अगर आप लोग अपने काम में खो गए हो तो आप लोग पागल हो गए, और पागल होने का मतलब है कि आप लोग जल्दी ही अपने टारगेट पर पहुंचने वाले हो। तो ये एक तरीके से खुशी का सगुन आप लोग बोल सकते हैं, जब आप लोगों को लोग बोलेगी पागल हो गया तो इसका मतलब कि बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, लगे रहो, ठीक है। तो इस तरीके से देखना और जिंदगी जीने में मजा भी आएगा, ओके। तो काफी शानदार, काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लोग नजर डालते हैं आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। और हाँ, कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं देखिए रेगुलरली कि सर ये टेलीग्राम क्या है, कई सारे नए बच्चे जुड़ते हैं, तो यार कमेंट बॉक्स में उनको बता दिया करो कि टेलीग्राम क्या है, उसका लिंक वगैरह दे दिया करो ताकि वो भी उसको ज्वाइन कर सके और कोई दिक्कत देखने को न मिले। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, हर एक वीडियो के नीचे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है और भी कई सारी चीजें वहां पर शेयर की जाती है। तो बात करते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कौन सी एमनिस्टी के द्वारा अभी यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाने की बात की जा रही है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यानी कि बिजली की जो सप्लाई है देश में उसको बढ़ाया जा सके अच्छे लेवल पर, और जिसको इलेक्ट्रिसिटी की जहां पर जरूरत है उसको वहां पर उस तरीके से अवेलेबल हो, कोई दिक्कत देखने को न मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहां से बन सकता है, अगर कोई पूछ ले कि हमारे संविधान में कि इलेक्ट्रिसिटी को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में, तो कौन सी लिस्ट में रखा गया, सातवें शेड्यूल में। तो लिस्ट कौन सी शेड्यूल में होती है, सातवें शेड्यूल में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करूं तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का वर्ल्ड में, कौन सी कंट्री के बाद में, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है यानी कि प्रोड्यूस करने वाले, बिजली बनाने वाले हम लोग यहां पर तीसरे नंबर पर है दुनिया में, और बिजली को हम लोग बेसिकली कंज्यूम करने वाले यानी कि हम लोग बिजली को यूज करने वाले दूसरे नंबर पर है, कौन सी कंट्री के बाद में ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहां पर हम्बोल्ट, ये पेंगुइन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली किस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, तो पैसिफिक कोस्टल रीजन में बोला गया यहां पर बेसिकली। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो आप लोगों ने करंट पढ़ी होगी ना ज्योग्राफी में, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट ऐसी होती है कई बार पूछ ली जाती है, इवन ये भी क्वेश्चन बन जाता है बताइए कि हॉट करंट है या फिर कोल्ड करंट है, तो कुछ बातें इसके बारे में कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर है, तो यहां पर बात यह की जा रही है कि इसके द्वारा अभी फाउंड किया गया SUP, तो ये SUP क्या है ये आप लोगों को बताना है। 4 अगस्त 2020 में अमोनियम नाइट्रेट जिसको NH4NO3 बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, आर्टिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। ये कहां पर है, ये है बेसिकली पोर्ट था एक बैरूत के अंदर, तो बैरूत किस कंट्री की यहां पर कैपिटल है ये आप लोगों को बताना है। इसमें इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि दुनिया भर के लोगों की जान चली गई थी और किसी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो इस तरीके से कई बार छोटी छोटी गलतियां इंसान की जिंदगी तबाह कर देती है, तो इनसे हम लोग को बचकर रहना चाहिए। आगे बात की जा रही है बिल्डिंग प्रोसीजर ऑफ कुतुब मीनार, यानी कि जो कुतुब मीनार है हमारे देश के अंदर में दिल्ली के अंदर में, उसको बेसिकली यहां पर अभी लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको 75 साल लगे थे बनाने में। तो बोला यहां पर ये जा रहा है कि ये जो बनाना स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी और ये कंप्लीट किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में और कितनी बार पूछा जा चुका है, तो हिस्ट्री का पोर्शन है थोड़ा सा कवर कर लूंगा तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा। और कुतुब मीनार क्या है हमारी कंट्री में, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो आप लोगों को ये बताना है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था। एक क्वेश्चन और बताएगा यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमारी कंट्री में कितनी है टोटल मिलाकर, अरे यार अभी लिख देता, ऐसी ऐसी हरकतें करता हूं, मतलब दिमाग ना ऐसा चलता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बता रहा हूं पर लेकिन आंसर भी लिख दिया साथ साथ में, नंबर लिखा हुआ है कुछ और दिमाग में कुछ और, मतलब नंबर दिमाग में सही चल रहा है मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो छोटी छोटी गलतियां चलती रहती है यार, कई बार मैंने देखा है कई बार ऐसी हरकतें करता हूं मैं, ये इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ना थोड़ी फास्ट रहती है बोलने की, तो ये इसलिए रहता है, अगर थोड़ा सा आराम से बोलो तो ये चीजें ठीक हो सकती है। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर इसको थोड़ा अगर आराम से बोलो तो ये चीजें दूर हो सकती है, तो मैंने फोकस केस पे, हाँ दूर हो जाएंगे आराम से, पर लेकिन यार एक आदत बन चुकी है ना पिछले 4-5 सालों से उसी स्पीड में पढ़ाना, मतलब एक तरीके से एक पैटर्न बन चुका है, तो पता नहीं क्या फिर वही सारी चीजें चलती रहती है। चलो देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, इसको करता हूँ इसके ऊपर कुछ काम, ठीक है।
एंजॉय कीजिए आप लोग। अभी यहां पर ये बताना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल मिलाकर कितनी है हमारे देश में, और इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर अच्छा होगा अलग अलग कैटेगरी का भी अगर आप लोग नाम बता देंगे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री है अगर बात करें सऊदी अरेबिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट में आने वाली 2019 में हमारे द्वारा इसके साथ में साइन किया गया था। तो चौथी कंट्री हम हो गई, बाकी एक कंट्री यूके है, बाकी दो कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो डिस्कशन काफी शानदार रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और अच्छे से सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुनने में एंड तक जब आप लोग डिस्कशन को देखेंगे, और फीडबैक दिए बगैर मत जाना, ठीक है। तो काफी प्यारा रहने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो दो वीडियो डेली अगर आप लोग यहां पर देख पाते हैं यहां पर, तो आप लोगों की मुट्ठी में होगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को अच्छे से आप लोगों को एंजॉय करना है बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल एक तरीके से नहीं कहते कि पार्ट बना लेना है लाइफ का, प्यार करने लगो यार करंट अफेयर से, अब तो हो भी जाना चाहिए, आप लोगों को इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, करंट अफेयर तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बस करंट अफेयर में मजा आ रहा है। और रियलिटी में क्या ये करंट अफेयर थोड़ी ना है, यहां पर स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग काफी सारा देखने को मिलता है, तो बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन एक होने के बैलेंस डाइट है आप लोगों के लिए भाई, अच्छे से एंजॉय करो, इसको सेहत बन जाएगी एग्जाम में आप लोगों की, तो इस तरीके से करना है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आज ना दिन में सो गया मैं मुझे ये लग रहा था, मतलब देखो नॉर्मली क्या करता हूं मैं, मतलब 15-20 मिनट का पावर नैप लेता हूं, ठीक है, अभी क्या हुआ दो तीन दिन से बहुत कम सो रहा था, लगभग तीन मतलब 3.5-3 घंटे रात को, तो ऐसा हुआ पावर नैप लेने गया, और पावर नैप लेते लेते पूरा नैप हो गया पूरा अब रात को नींद नहीं आएगी, लेट नींद आएगी। कई बार ऐसा होता है, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेसिकली, इसका ये मतलब आप लोगों को बताने का कि आप लोगों की जिंदगी में ना कई बार आप लोग ऐसा लगता है कि आज कम सो लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, अच्छा सा काम कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो जब उस जोन में आप लोग होते हैं ना तो नींद भी कई बार इग्नोर हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी बहुत नींद लेते रहो, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं जगना है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी रात जगे नहीं कंप्लीटली, पूरे दिन अगला खराब कर दोगे, ठीक है, अगर आप लोग 6 घंटे की नींद ले लो, ठीक है, तो अगर आप लोग कम कर सकते हो तो 4 की कर लो उसको, तो इस तरीके से कर लो, आगे फिर थोड़ा सा दिन में कर लेना अपना, तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। पर लेकिन फिलहाल एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, जिस पैटर्न में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उस पैटर्न में अपनी नींद को थोड़ा ढाल लीजिए, क्योंकि उस पैटर्न में अगर नींद को ढालेंगे, पता चला आप लोग वहां पर प्रीलिम्स देने के बाद में पहला आप लोगों ने जीएस का दिया प्रीलिम्स में पेपर, फिर आप लोगों को सीसेट का होने वाला है, अब बीच में टाइम है वहां पर, पता चला आप लोगों का जो सोने का टाइम है वो उस टाइम स्टार्ट होता है जब आप लोगों का सेकंड सीसेट पेपर स्टार्ट होता है, तो आप लोगों का माइंड ना थोड़ा हैंग रहेगा वहां पर, तो इसलिए पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर लेना ताकि अच्छे से आप लोग उसको फील कर पाओ, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे और अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, ओके। तो मुझे लगा एक बार तो मतलब मेरा ना अलार्म ही नहीं लगाया था, मैंने सोचा था 20 मिनट मतलब लेट होगा, तो 20 मिनट में नॉर्मली मैं उठ जाता था, ठीक है, तो जब मुझे लगा मैं एकदम उठा, मैंने कहा आज तो गई वीडियो, आज नहीं लग रहा है वीडियो बन पाएगी टाइम पर, तो खैर ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी चीज़ों को इस तरीके से समेटा, मतलब चीज़ें ऐसी थी कि मतलब आराम से सेटल हो गई, फिर मुझे लग रहा है कि टाइम पर आ जाएगी अभी वीडियो, आई होप सो, ठीक है। चलिए बताना टाइम पर आई है कि नहीं आई है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने ये निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की साइड से। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हमारी कंट्री में एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि बिजली के बारे में बात करती है, कहां कहां पर किस तरीके से सप्लाई करनी है और किस तरीके से इसको मेंटेन रखना है। तो इसके चलते इसको चेक करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यहां पर बना दी गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है कंट्री के अंदर अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के काम के लिए भी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ऑल स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उनको बेसिकली यहां पर एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी, जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको बोला गया इन चीजों को आगे लाने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये सारे जो भी चीजें इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उनको हम लोग ढंग से लोगों के साथ में एक तरीके से पैटर्न में लेकर आ पाएंगे, और जो गवर्नमेंट है यहां पर जो भी प्रोविजन लेकर आ रही है लोगों के लिए, तो उससे ये होगा कि और ज्यादा अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो लोगों को इसका फायदा होगा। हेडक्वार्टर बेसिकली बोला गया इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा एटलीस्ट यहां पर 3 मंथ में यहां पर इस पर्टिकुलर कमिटी को लेकर मिला करेगा, और जहां जहां पर भी जो जो दिक्कत है जो जो परेशानी है उसको सॉल्यूशन देगा। कई बार आप लोगों ने देखा कई सारे लोगों के जो मीटर हैं उनमें लाखों के बिल आ रहे हैं, ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, प्रॉपर पैटर्न में चीजें नहीं हो रही, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो वो भी यहां पर दूर होती नजर आएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अब ये सुनिए, हमारी कंट्री दुनिया में 3rd नंबर की कंट्री है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है यूएसए और चाइना के बाद में, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर चाइना, ठीक है, तो चाइना के बाद में 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है, क्योंकि आप लोग को पता है चाइना के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस देश की है, तो हमारी है, तो कॉमन सेंस से भी आप लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहां पर यूज कर रहे हैं आज की डेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, जब अपने संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो 7वें शेड्यूल में तो 3 लिस्ट को रखा गया है, एक को बोलते हैं सेंटर की लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट की लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्केन लिस्ट। सेंटर की लिस्ट में जो भी मैटर रखे गए हैं जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उस पर सेंटर लॉ बनाता है। स्टेट की लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर दूसरी कोई चीजें होगी उसमें स्टेट लॉ बनाएगा, और कॉन्केन लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन हो गया तो दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, और इसी कॉन्केन लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी को भी रखा गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोग इसमें मत होना।
तो याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी कहां पर आती है, कौन करंट लिस्ट में आती है, यहां पर सातवें शेड्यूल के अंदर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यहां पर बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश की जा रही है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी के अंदर हम लोग को चीजों को लेकर आना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि याद रखेगा। और यहां पर देखिए लिखने के लिए शॉर्ट न्यूज हो जाती है, बेसिकली लॉन्ग ही न्यूज हो जाती है, क्योंकि पूरा डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन करता हूं। तो इस ऐसे मत देखना कि शॉर्ट न्यूज लॉन्ग न्यूज, ऐसे ज्यादा डिफरेंस मत करना, बस अपना टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोगों से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखने के लिए आ जाए, हमारी कंट्री में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो जिसको सौभाग्य का नाम दिया गया यहां पर, ये जो स्कीम थी ये गांव वाले और शहर वाले दोनों एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की जब बात की गई तो सौभाग्य स्कीम लाई कि गांव का सौभाग्य और शहरों का सौभाग्य होगा कि इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंच पा रही है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम थी काफी, इसके बारे में याद रखना। दूसरा था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ये जो थी जिसको DDUJGY आप लोगों ने बोला, ये बेसिकली क्या थी कि आप लोगों को सेपरेट करना है फीडर की कौन सा एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों को बेसिकली प्रोवाइड कराना है, कौन सा नॉन एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों को प्रोवाइड कराना है। तो ये इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेंथ करने की बात की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि रूरल एरिया में भी प्रॉपर वे में, जैसे कि मीटर लगाना है यहां पर, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फीडर प्रोवाइड कराना है ताकि प्रॉपर बिजली को प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये था यहां पर दीनदयाल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, यहां पर ये याद रखना, सेपरेट कर दिया एग्रीकल्चर यानी खेतों में मान लीजिए कोई सिंचाई कर रहा है तो उसके लिए बिजली अलग से जाएगी, और जो नॉन एग्रीकल्चर फीडर है इनके घरों में मान लीजिए बिजली का यूज किया रहा है उसके लिए अलग कर दिया। नॉर्मली पहले गांव में क्या होता था, आज की डेट में अगर बात करें कई सारे लेवल पे आप लोगों को सिंगल ही कनेक्शन देखने को मिल जाते थे, तो दिक्कत रहती थी, तो उसको अलग अलग कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब दोनों के लिए अलग अलग से प्राइस सेट कर सकते हैं कि खेतों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसके लिए अलग से, और अगर गांव के लिए, अगर घरों के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए अलग से। तो इसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में लाने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। नंबर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर GARB, तो ये यहां पर गव जो है इसको ग्रामीण, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम से इसको जाना गया, ये एक ऐप था। इस ऐप में क्या किया गया, कैसी प्रोग्रेस यहां पर चल रही है देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन की, कैसे यहां पर स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसको चलते यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई इस पर्टिकुलर ऐप पे, सारी नॉलेज मिलेगी यहां पर, ये बोला गया। उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, बेसिकली जो कंपनी है जो कि बिजली प्रोवाइड कराती है उसके बारे में यहां पर बात की गई कि क्या कि यहां पर जो भी ये बिजली प्रोवाइड करा रही है उनको जो भी दिक्कत है उनका सॉल्यूशन निकालने की बात की, खासकर फाइनेंशियल, क्योंकि होता क्या था इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड कराती पर बिजली की चोरी हो रही है बहुत ज्यादा, तो इनको प्रॉफिट नहीं होता था, काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था, तो उसके बारे में इनके द्वारा बात की गई काम करने की, तो इंपॉर्टेंट था। बाकी 4E भी बात की गई, रिवाइज टैरिफ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल इफिशियंसी टू इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ। अफोर्डेबल का क्या मतलब होता है, देखिए अगर हेल्थ की सर्विस है, मान लीजिए कोई एक दवाई, मान लीजिए कोई एक दवाई, कोई इंजेक्शन जो है 5,000 रुपए का आ रहा है, ठीक है, अब 5,000 रुपए का हर एक इंसान तो उसको खरीद नहीं पाएगा, पता चला किसी पर्टिकुलर पर्सन की यहां पर एक महीने की कमाई है 5,000 रुपए, तो उसकी तो खस्ता हालत हो जाएगी, कुछ भी नहीं चल पाएगा अगर 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन खरीदे, तो अगर क्यों ना उसके लिए हम लोग ये इंजेक्शन 500 का प्रोवाइड करा दें या फिर 50 रुपए का प्रोवाइड करा दें, तो इसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जैसे बोलता हूं ना मैं एजुकेशन को, अगर फ्री आप लोग प्रोवाइड नहीं करा पड़ते तो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करा दो ताकि सिस्टम भी चलता रहे और लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन भी मिल जाए। तो हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज है जो अफोर्डेबल होनी चाहिए, कम से कम सब लोग उनको खरीद सके। फ्री के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर कई बार कंट्रोवर्सी आती है कि फ्री में दे देनी चाहिए, तो फ्री में ये बोलते हैं अगर लोगों को कई सारी चीजें अगर इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली फ्री में दे दे तो टैक्स पेयर की मनी भी बर्बाद यहां पर होने लगती है। फिर क्या मतलब है कि जैसे कि पानी फ्री में चल रहा है तो पानी को बर्बाद किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में चल रही है इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद किया जा रहा है, अगर थोड़ा ही चार्ज रखोगे कम से कम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा कि पैसे पे कर रखे हैं तो उसको वो बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा। तो कम से कम मिनिमम अफोर्डेबल रेंज में यहां पर प्रोवाइड करा दो ताकि उसको लगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब इंसान फ्री में लेता है तो उसको ये लगता है कि यहां इज्जत नहीं है, पर लेकिन थोड़ा सा अगर पे करके लेगा तो उसको लगेगा कि मैंने खरीदा भाई साहब, किसी ने खैरात में नहीं दिया मुझे, तो उसकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट भी यहां पर बढ़ेगी। तो इसलिए अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कराना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अगर किसी को बहुत महंगा दिया जा रहा है या फिर फ्री में दिया जा रहा है, तो इसका रास्ता है बुद्धापात मिडपात, यानी कि अफोर्डेबल प्रोवाइड करा दो, जितनी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से उसको खरीद सके। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इसी में बात की गई बिजली के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अट्रैक्ट किया गया इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि इलेक्ट्रिसिटी को सही तरीके से हम लोग इंप्लीमेंट करके चलेंगे तभी फायदा होगा। इसलिए हमारी कंट्री में आप लोगों को बताया 175 GW का टारगेट है, कब तक का याद है आप लोगों को, 2022 तक का। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या किया है 2030 तक का टारगेट बढ़ा दिया है, चलिए वो आप लोग बताइए, थोड़ा सा रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा। बाकी हमारी कंट्री में बिजली बनाने के कई तरीके हैं, जैसे कि कोयले से बनाई जाती है, नेचुरल गैस से बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पावर, ये सारी सोलर एनर्जी, तो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश से बनाई जाती है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे हर एक चीज को लेकर। ठीक है, तो ये हो गए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। यहाँ पर इसके बारे में आप लोग देखिएगा, बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरल साइंस के अंदर भी आप लोगों का टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात की जा रही है, अमोनियम नाइट्रेट के लिए अभी कुछ रूल और रेगुलेशन लाए गए हैं ताकि फायर लगने से, आग लगने से इसको बचाया जा सके, और कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको स्टोर करना है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रख सके। आप लोग ये बोलेंगे यार गवर्नमेंट को ऐसा क्या लग गया एकदम कि यहां पर इसके बारे में बात करें, गवर्नमेंट को कुछ नहीं लगा। अगर इंसान बेसिकली दूसरों की गलतियां सीखे, जैसे चाणक्य साहब के द्वारा बोला था ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो, तो ऐसा ही यहां पर हम लोगों ने दूसरों की गलतियों से सीख लिया है। ये बैरूत के अंदर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें 2020 के अंदर में, और जिंदगी बर्बाद कर दी थी लोगों की, समझ लेते हैं क्या था यहां पर। ये बैरूत आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली लेबनान की यहां पर कैपिटल है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर, ये एक ऐसी है ओपन बॉर्डर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर में है। पड़ोसी देश इसका इजराइल हो गया इधर से, और इधर से आप लोगों को सीरिया देखने को मिलेगा, जो कि दो पड़ोसी देश है इसके। अब हुआ क्या था यहां पर, 4 अगस्त 2020 में यहां पर काफी लंबे समय से कुछ काफी ज्यादा स्टोर अमोनियम नाइट्रेट यहां पर रखा हुआ था, वो अमोनियम नाइट्रेट क्या हो गया, फट गया वहां पर, यानी कि उसमें आग लग गई। तो आग लग गई तो पूरा का पूरा पोर्ट जो था वो वहां पर बर्बाद कर दिया, तहस नहस करके रख दिया, इतना ज्यादा यहां पर बेसिकली दिक्कत हुई, 218 लोगों की जान चली गई यहां पर। यह माना जाता है कि 7,000 के करीब लोग जो है जिनके हाथ पैर टूटे, लंगड़े लूले हो गए, ऐसी दिक्कत देखने को मिली। लगभग 15 बिलियन का नुकसान हो गया, और आसपास में इतना दूर तक इसने नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे घर भी यहां पर ढह गए, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख के करीब लोग जो थे उनकी घर बर्बादी हो गई। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक छोटी सी गलती कि उसको ढंग से स्टोर नहीं किया गया, एक छोटी सी गलती कि उसको ढंग से रखा नहीं गया, उस अमोनियम नाइट्रेट ने इतनी जिंदगी बर्बाद कर डाली यहां पर, इतना नुकसान कर डाला। सोचो कि $15 बिलियन अगर इनको ढंग से एजुकेशन में या फिर कहीं हेल्थ में लोगों के लिए यूज किया था, उनकी लाइफ को सुधारने के लिए, तो कितना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं एक तरीके से। तो यानी कि कहने का मतलब यह कि बहुत अच्छे लेवल का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा सकता था, और इसने जिंदगी बर्बाद कर दी, तो पीछे पहुंचा दिया काफी लार्ज स्केल पर कंट्री को, तो ये दिक्कत देखने को मिली। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन सकता है इसके बारे में कि कहां कहां पर ये कंडीशन देखने को मिली अभी इसके बारे में, वैसे रिवीजन वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कवर किया था, पर इंपॉर्टेंट बातें कुछ बेसिक जो जनरल साइंस के बारे में याद रखेगा। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3, तो NH4NO3 ये बेसिकली एक केमिकल फॉर्मूला, इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये केमिकल कंपाउंड है। अमोनियम नाइट्रेट बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये जो आप लोग होम्योपैथी की दवाई आते हैं, ये तो उनके लिए है जिन्होंने, अगर गांव से बिलोंग नहीं करते, तो गांव में आप लोगों ने नॉर्मली यूरिया देखा है, जो यूरिया आप लोगों ने देखा होगा, यूरिया के जो कट्टे आते हैं, तो अगर कोई गांव से आता है तो वो जानता होगा ये सारी चीजें। तो इसी के साथ में जो गांव से नहीं आता है, सिटी से आता है, उसने जो होम्योपैथी की दवाई की जो गोली आती है व्हाइट, उसको आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसा क्रिस्टल लाइक एक व्हाइट सॉलिड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि इंडस जो कि यहां पर नॉर्मली एक तरीके से यहां पर व्हाइट जो होता है ये, और मेड किया जाए इंडस्ट्रियल क्वांटिटी में काफी लार्ज स्केल पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सोलेबल है वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुल जाता है, इसीलिए तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में ऐसे हाई नाइट्रोजन बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि NH4NO3 हो गया, तो नाइट्रोजन काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि नाइट्रोजन डायरेक्ट कंज्यूम नहीं की जाती है हमारी फसल के द्वारा, नाइट्रेट की फॉर्म में इसको कंज्यूम किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेगा। तो इसके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर यहां पर एक्सप्लोजिव भी देखने को मिलता है अगर इसको ढंग से हैंडल ना किया जाए। तो अमोनियम जो नाइट्रेट है यहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड यहां पर काफी चीप रहता है, सस्ता रहता है, और काफी खरीदा बेचा जाता है आराम से। तो यहां पर एक तरीके से ये इसीलिए भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं, खासकर एग्रीकल्चर के लिए, हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जैसे हमारा देश हो गया, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर सबक लेकर बैरूत से, जो बैरूत में यहां पर बम ब्लास्ट हुआ यहां पर बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, तो इसके चलते हमारी कंट्री में भी बोला गया कि इसको ढंग से हैंडल करना है भाई साहब, पता चला कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात कर दी कि दिक्कत होने से पहले ही, बीमार होने से पहले ही आप लोग अपने आप को सुधार लो ना। तो ये बातें हैं यहां पर। तो इसी के चलते जो पोर्ट पर, अगर आसपास वाले रीजन में कहीं पर आप लोगों को नाइट्रेट रखना है अमोनियम नाइट्रेट, तो 500 मीटर यानी कि आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए पोर्ट एरिया से, पता चला पूरा पोर्ट बर्बाद कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अमोनियम नाइट्रेट को इंश्योर करना है सेफ और स्पीडी डिस्पोजल इसका होना चाहिए, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी जब इसको जरूरत पड़े, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेव कर आप लोग इसको रख रहे हैं। इसी के साथ में ये फायर फाइटिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो अवेलेबल होनी चाहिए जहां पर अमोनियम नाइट्रेट आप लोगों का रखा हुआ है, ताकि सेफ्टी को भी और ज्यादा इनहेंस किया जा सके, पता चला ऐसी दुर्घटना घट गई तो ये तो वही हो गया कि एक तरीके से खुद जाकर कुल्हाड़ी में पैर मारने वाली बात हो गई, एक तरीके किसी ने अटैक कर दिया उसमें यहां पर इतना नुकसान हो गया, मतलब अपने आप ही, ये बिल्कुल वही है कि जिस डाली पर, जिस पेड़ पर बैठे वही डाली काट दी और गिर गए और मर गए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कई बार छोटी छोटी चीजें इग्नोर करना भी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी जिसने कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, तो अमोनियम नाइट्रेट हानिकारक हो गया इनके लिए, तो थोड़ी सी गलती इतना बड़ा नुकसान करके चलेगी। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, डिटेल में डिस्कस करी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम लोग पॉलिथीन यूज करते हैं, किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक यूज करते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक तो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सिंगल यूज प्लास्टिक है, जूस पीने गए, स्ट्रो मिला आप लोगों को, जूस पिया फेंक दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी कॉफी वगैरह कप आप लोगों ने लिया, पिया और फेंक दिया, लगभग 200 साल तक ये स्ट्रो जो है वो वहीं पड़ा रहेगा, ये यहां पर कहीं नहीं जाएगा। सोचिए आपकी लगभग 2 लाइफ साइकिल चले जाएगी, अगर 100 साल आप लोग जीकर जाते हैं तो 2 बार जिंदगी जीकर चले जाएंगे, पर जो एक छोटा सा स्ट्रो आप लोगों ने पानी पीकर फेंका है ना या फिर जूस पीकर फेंका है वो यहीं पड़ा रहेगा इस धरती पर। जो प्लास्टिक की बोतल आप लोग ये यूज करते हैं ना, ये 450 साल रहने वाली है, यानी कि 4 बार 100 साल जीकर चले जाओगे आप लोग, पर प्लास्टिक की बोतल आप लोगों को यहीं मिलेगी, वहीं पड़ी हुई मिलेगी, वो खत्म नहीं होगी। इसी तरीके से जो कॉफी के छोटे छोटे कप होते हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक कप हो गया या कोई भी इस तरीके का जो कोई इस तरीके का जो पैटर्न हो गया सारे, या जो ब्रश होने दंत मंजन आप लोग बोलते हैं, 500 साल तक यहीं पड़ा रहेगा। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग अगर प्लास्टिक यूज करें तो एनवायरमेंट को क्या देकर आप लोग जा रहे हैं, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखा कीजिए, प्लास्टिक को अगर यूज करते हो तो कोशिश करो कि कम से कम यूज की जाए, जहां पर अल्टरनेटिव अगर चाह सकते हो कर सकते हो तो उसको जरूर अल्टरनेटिव करिए, यानी कि यूज करने से बचिए, बोलने का मतलब यह थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट के तौर पर लीजिएगा। बात करें तो क्या किया गया, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर है, बेसिकली यहां पर कर्नाटक के अंदर, इसके द्वारा अभी बनाया गया है यहां पर SUP, ये सिंगल यूज प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट यहां पर बोला गया, तो सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि SUP। तो ये क्या किया गया इनके द्वारा, अभी यहां पर मिटिगेट करेगा, एक तरीके से हेल्प करेगा यहां पर जो प्लास्टिक का वेस्टेज है एनवायरमेंट में उसको टैकल करने में। आखिर क्या करेगा समझ लेते हैं, देखिए कोशिश ये किया करो, जैसे मान लो आप लोग ना बाहर जा रहे हो कहीं, तो बाहर से पानी की बोतल खरीदने से ज्यादा बेटर है कि आप लोग क्या करो अपनी खुद की पानी की बोतल लेकर चलो। इससे क्या होगा, एक तो अच्छा पानी अपने घर से आप लोग लेकर चल रहे हैं और इसी के साथ में प्लास्टिक से भी आप लोग बच पाएंगे, देश को भी बचा पाएंगे, छोटी छोटी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो यार देश के लिए। ये थोड़ी ना कि आप लोग को सरहद पर जाकर अपने जो जवान है उनकी तरह वहां पर मेहनत करनी है, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा सकती हैं, ठीक है। तो नॉन इडेबल जो यहां पर कैस्टर ऑयल होता है, जिसको रेंडी का तेल भी बोलते हैं नॉर्मली हिंदी वाले जो बेसिकली, ठीक है। तो रेंडी का तेल जो होता है इसको जो कैस्टर ऑयल बोलते हैं, नॉन कैस्टर ऑयल जो होता है ये बेसिकली यूज किया जाएगा यहां पर एक तरीके से, जिसके चलते यहां पर जो मेकिंग प्रोसेस में इसको यूज किया जाएगा और इन्वॉल्व करेगा यहां पर रिएक्ट कर यहां पर सेलुलोज। सेलुलोज क्या रहता है, जैसे कि स्टेबल हो गया, ठीक है, तो एग्रीकल्चर स्टेबल हो गया उसको सेलुलोज भी बोल सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में बात की जा रही है डाई आइसोसाइनेट, ठीक है, तो ये कंपाउंड है, तो इसके साथ में मिलकर ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना देगा जो कि एक तरीके से अच्छा रहेगा। आप लोग बैग बनाने में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कटलरी बनाने में यूज कर सकते हैं, कंटेनर बनाने में यूज कर सकते हैं, और जो भी आप लोग फिर इससे बनाएंगे ये वाला सिस्टम यूज करके, ये बायोडिग्रेडेबल होगा, 500 साल तक नहीं पड़ा रहेगा, ये कुछ चंद महीनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा और लीक प्रूफ है, इसमें से कुछ लीक भी नहीं होगा और नॉन टॉक्सिक भी है। यहां पर पॉलिथीन को अगर जलाते हो ना, कई बार लोगों देखा होगा गर्मियों में क्या करते हैं, हाथ तापने के लिए पॉलिथीन जला लेते हैं, पॉलिथीन नहीं जला रहे हो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अगर ऐसी हरकतें कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको रोका करो, एनवायरमेंट में इतना खतरनाक इंपैक्ट डालती है, इवन ओजोन लेयर तक को यहां पर डिप्लीट करने की ये क्षमता रखती है इस तरीके की हरकतें। तो आप लोग इनसे बचा करो। अगर देखिए पढ़े लिखने का फायदा क्या है, जब आप लोग यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप लोग यार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके लिए पढ़ रहे हैं, भैया एग्जाम में क्लियर कर रहे हैं, अरे एग्जाम क्लियर हो जाएगा जिंदा रहोगे तब ना, पहले आप लोग इस चीजों को अगर सीखते हो तो उनको लाइफ में भी इंप्लीमेंट करोगे, और इंटरव्यू में ये तो देखते हैं, जब आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे बोले IAS बनना है, IAS बनना है, कोई भी जॉब पर जाना है वहां पर जाकर आप लोग पोस्ट पर बैठोगे ना, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है आप लोगों, तो क्यों ना इनको अभी से इंप्लीमेंट कर चलो, फील करो कि आप लोग IAS बन चुके हैं, ये चीजें सोसाइटी में हो रही है तो हमको खत्म करनी है, तो इस तरीके सोच के चलो जिंदगी जीने में भी मजा आएगा। ओके आगे चलता हूं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक ज्योग्राफी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर यहां पर हो जाएगा। मुंबई में यहां पर बात की जा रही है बेसिकली एक पर्टिकुलर जू के बारे में, जू क्या होता है चिड़ियाघर, तो बाइकुल चिड़ियाघर है यहां पर ये, तो ये बाइकुल चिड़ियाघर कहां पर है, ये बेसिकली मुंबई में है, कोई मुंबई वासी है तो बताइएगा किसने देखा है क्या ये बेसिकली चिड़ियाघर में गया क्या, अगर नहीं गया तो आप जरूर जाना है यहां पर। बेसिकली हम्बोल्ट पेंगुइन यहां पर आ गई है 2, तो नई 2 हम्बोल्ट पेंगुइन यहां पर ऐड किए गए जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। तो क्या आप लोगों से ये पूछेगा हम्बोल्ट पेंगुइन ऐड किए गए, लोकल एग्जाम में पूछ सकता है अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग सेंट्रल लेवल पर जाएंगे तो यहां पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो बैकग्राउंड में जाकर इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अगर बात करें यहां पर मोस्टली अगर इसके बारे में बात करेंगे तो मोस्ट पॉपुलर जू पेंगुइन के लिए तो एबिलिटी क्या रहती है, ये वार्मर क्लाइमेट में भी जिंदा रह सकती है, नॉर्मली ठंडे इलाकों में पाई जाती है,
लेकिन ये वाले पेंगुइन थोड़ा सा गर्म इलाके में ही पाए जाती हैं। तो हम्बोल्ट पेंगुइन जो है इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक ओशन में जो यहां पर चिली और पेरू है उसके आसपास वाले रीजन की बात की जा रही है। अगर मैप में देखिए तो अपनी प्यारी कंट्री हो गई और यहां से आप लोग आएंगे तो ये हो गया पेरू और ये हो गया चिली। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को ये हम्बोल्ट पेंगुइन देखने को मिलेगी। अब आप लोगों के माइंड में यार होगा यार ये नाम कहां से आ गया हम्बोल्ट, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। हम्बोल्ट यहां पर एक करंट है जिसको ओशन करंट भी आप लोग बोलते हैं। तो ओशन करंट जो हम्बोल्ट है ये कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट और वार्म करंट के बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नॉर्मली नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वो करंट जो यहां पर इक्वेटर से जो बाहर की साइड को जाती है, यानी कि इक्वेटर से इधर जाएंगी इस तरीके से, वो मैक्सिमम गर्म करंट होंगी, यानी कि वार्म करंट होंगी, ठीक है। और वो करंट जो कि यहां पर पोल से अंदर की ओर आती है इस तरीके से, वो वाली करंट सारी आप लोग कैसी देखने को मिलेगी, वो ठंडी करंट आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि कोल्ड करंट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो पोलर की साइड से आ रही है। तो ये जो पेरू करंट है इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, और इसी करंट के नाम पर यहां पर इसका नाम रखा गया हम्बोल्ट पेंगुइन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, पेरू करंट को बेसिकली हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, तो बोल्ट करंट या फिर पेरू करंट, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है ज्योग्राफी के अंदर में कि कहां पर है हम्बोल्ट करंट, तो पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बारे यहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में यहां पर आप लोगों को वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगुलास आप लोगों को इंडियन ओशन में देखने को मिलेगी, एक वार्म करंट देखने को मिलेगी। बाकी यहां पर ये बेसिकली याद रखिएगा ये है ये है यहां पर क्यूरोसी हो, ठीक है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर अगर देखेगा यहां पर ये कैसी है, देखिए जो रेड वाली है वो थोड़ी आप लोगों को वार्म करंट देखने को मिलेगी, और ब्लू वाली आप लोगों को कोल्ड करंट देखने को मिलेगी। और बाकी मैं पेन चला दे रहा हूं तो रेड ब्लू और ज्यादा कन्वर्ट हो जा रहा है, एक मिनट रुके ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब सही है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों। तो यहां पर बेसिकली ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की करंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, कैनरी करंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, अफ्रीका का जो ये वाला कोस्ट है, ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट पर अफ्रीका के देखने को मिलेगी। गल्फ स्ट्रीम आप लोगों को मेक्सिको वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लैब्राडोर करंट के बारे में पूछ ले जाता है, याद रखेगा। इसी के साथ में रिमिंगर करंट भी आप लोगों से पूछ ले जाता है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आप लोगों की होगी, ये वाली करंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलास्का करंट हो गई, कैलिफोर्निया के नाम पर करंट यहां पर रखी गई है। ओहिसो ये करंट आप लोगों को देखने को मिलेगी जापान वाले रीजन में, ठीक है। तो ये यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इस तरीके से भी, ओके। तो यहां पर ये बेसिक मैंने आप लोगों को करंट के नाम बता दिए, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। तो अभी इसी के नाम पर इसका नाम यहां पर रखा गया है, ये एक थ्रेटन एलिमेंट, ये थ्रेटन आप लोगों को यहां पर बेसिकली एंटेंगलमेंट जो इन फिश नेट, यानी कि एक तरीके से कई बार क्या होता है थ्रेट कहां से आती है, माने फिश मछली पकड़ने का नेट है उसमें फंस गई, ठीक है। इसी के साथ में जो ब्रीडिंग साइट है वो खत्म होती जा रही है, जहां पर बच्चे पैदा करते हैं। इसी के साथ में कई बार दिक्कतें और भी देखने को मिलेगी, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। हंटिंग की जा रही है कई बार कई सारी स्पीसीज की, ठीक है। इसी के साथ में और कई सारी जो स्पीसीज होती है जिसकी वजह से यहां पर ये मर जाती है, जैसे कुत्तों ने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया, ठीक है। तो IUCN के अंदर यहां पर इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया, और CITS के अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है। ये CITS में आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कई बार जैसे लेक्चर तो सुन लिया, ठीक है, लेक्चर सुन के बैठ गए, फिर मैं पूछ लूं CITS क्या, तो आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि CITES जो है इसको जाकर एक बार इसकी फुल फॉर्म देखना, और ये है क्या इसके बारे में थोड़ा पढ़ना भी, ठीक है। क्योंकि दो तीन बार क्या पता नहीं यार, उस दिन तक अगर सुन रहे हैं लेक्चर रेगुलरली तो पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, पर फिर भी मुझे इस बात की श्योरिटी है कि आप लोग इसका आंसर देख नहीं पाएंगे, देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर डायरेक्ट दे पाएंगे, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए रिवीजन करना होता है, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म पूछ लो तो उसको भी बहुत कम बता पाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, पर हाँ कम बता पाएंगे। तो ये बेसिक पैटर्न होता है, आप लोग एजुकेशन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा उस तरीके से लेकर चलाओ, ताकि रिवीजन भी होता रहे साथ साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक मिनट पेन चेंज कर लो, एक मिनट, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज में क्या बात की जा रही है, हम बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। पहले तो ये बताओ दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार जो है किस किसने देखी है, कौन गया कुतुब मीनार पर, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो ये न्यूज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जिसके बारे में डिटेल में आप लोग कई सारी चीजें बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर अभी क्यों न्यूज में पहले समझ लेते हैं। अभी यहां पर जो यहां पर एक तरीके से स्टेप स्टेयरवेज और वुडन रैंप यहां पर बनाए गए हैं, ताकि यहां पर जो लोग खासकर जैसे कोई ना कोई एक तरीके से डिसेबल पर्सन जा रहा है, या कोई एल्डर यानी कि कोई बुजुर्ग लोग जा रहा है, वो भी यहां पर आसानी से घूम सके, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है बेसिकली कुतुब मीनार वाले एरिया में, यहां पर इसके अंदर इसके बेसिकली कॉम्प्लेक्स में। तो इस तरीके से कुछ बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन को जिसके चला नहीं जा रहा उसको, तो कुछ ऐसा रख दिया यहां पर, तो इसके ऊपर को चलाकर उसकी गाड़ी लेकर चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से डिसेबल फ्रेंडली भी यहां पर एक तरीके से सीढ़ियां बनाने की कोशिश की गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये कुतुब मीनार के अंदर ये जो चेंज किया गया है, तो इसके चलते आप लोगों से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कुतुब मीनार न्यूज में है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ यहां पर चेंज किया गया है। तो हुमायूं टॉम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और रेड फोर्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसी के साथ में जो कुतुब मीनार है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ लूं हमारे देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है, तो आप लोग बताएंगे कहां पर है बताइए।
तो सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, यह है महाराष्ट्र के अंदर 5, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर 3 है, तो तीनों की तीनों मैंने आप लोगों को बता दी कौन कौन सी है। याद रखना हुमायूं टोम हो गया, रेड फोर्ट हो गया, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली कुतुब मीनार, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गोवा से आप लोग आते हैं तो यहां पर 1 है, गुजरात से आप लोग आते हैं तो 4 है। याद रखिएगा गुजरात के बारे में रीजन क्या है याद रखने के लिए, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में इक्वल है, तो राजस्थान में भी 4 है और गुजरात में भी 4 है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी 3 है, मध्य प्रदेश में भी 3 है और दिल्ली में भी 3 है, तो 3 जगह आप लोगों को 3 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 3-3 है, गुजरात और राजस्थान में 4 है, मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र के अंदर 5 देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। उड़ीसा वासी है तो 1, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो 2, कर्नाटक से आते हैं तो 2, केरला से आते हैं तो 1, और चंडीगढ़ से आते हैं तो 1, आसाम से आते हैं तो 2, बिहार से आते हैं तो 2, ठीक है। तो बिहार, आसाम, इसी के साथ में यहां पर तमिलनाडु और कौन हो गया, और कर्नाटक, 4 ऐसे एरिया है जहां पर 2-2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर एक एक के बारे में बात करें तो चंडीगढ़, केरला, तेलंगाना के अंदर 1-1 देखने को मिलेगी, और उत्तराखंड के अंदर 1, वेस्ट बंगाल के अंदर 1, सिक्किम के अंदर 1, तो टोटल मिलाकर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज के डेट में हमारे देश में। तो ये तो इंपॉर्टेंट बेसिक बात हो गई, अब कुछ और भी बातें करूंगा, अभी इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हुआ क्या बेसिकली यहां पर, इसके चलते तो बेसिक होगी, अभी यहां पर 5 स्टोरी आप लोगों को ये बेसिकली सैंडस्टोन टावर देखने को मिलेगी, जो लगभग यहां पर 72.5 मीटर ऊंची है। ये आप लोग देखते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इसमें आप लोगों को यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो मुस्लिम कॉन्करर थे उनके द्वारा 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। फाइनल जो विक्ट्री इनके द्वारा राजपूत के ऊपर, जो राजपूत रूलर थे दिल्ली के, तो उसकी विक्ट्री के तौर पर कुतुब मीनार यहां पर बनाया। और कुतुब का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है विक्ट्री, यानी कि जीत, यानी कि जीत की एक तरीके से जो एंजॉयमेंट के नाम पर यहां पर ये कुतुब मीनार बनाई गई, जो मुस्लिम कॉन्करर जो रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा, जब राजपूत रूलर थे दिल्ली में उनको हराया गया, तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के पास में 7 मीटर हाइट का एक आयरन पिलर भी है, और वो इतना शानदार बेसिकली आयरन पिलर है, ये बनाया था कि उस टाइम पर मेटलर्जी यानी कि धातु को एक तरीके से बनाने का जो विज्ञान होता है, इतना शानदार था कि आज की डेट में भी उस पिलर के ऊपर ये माना जाता है कि आज की डेट में जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अगर बात करें अली दरवाजा जो गेट है यहां पर, बेसिकली अली दरवाजा गेट जो है ये मास्टरपीस है इंडो मुस्लिम आर्ट का, जो कि 1311 में बनाया गया था। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। कुतुब मीनार जो है यहां पर बेसिकली 75 साल में इसको कंप्लीट किया गया कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था बनाना बेसिकली स्टार्टिंग में, और फिर यहां पर जो फिनिश किया गया इल्तुतमिश के द्वारा इसको फिनिश किया गया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा इसको फिनिश किया गया। और ये जो बेसिकली यहां पर आगे चलकर जब टूटी फूटी तो इसको रिपेयर भी किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये वही है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको पढ़ा लिखा बेवकूफ बोलते थे, और फिरोज शाह तुगलक जो थे इनके द्वारा इसको बेसिकली रिपेयर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट थे फिरोज शाह तुगलक भी, इनके द्वारा कई सारे जो वेलफेयर के काम किए गए थे। अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में रूलर है। अगर आप लोग जाकर तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, देखिए हिस्ट्री भी थोड़ा सा साथ साथ में आप लोग कवर करते रहा कीजिए, आगे कई सारी चीजें आप लोग याद रख सके। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो सलेव डायनेस्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सलेव डायनेस्टी जो थी उसको यहां पर इलबरी तुर्की, इलबरी तुर्क के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, उसको इलबरी डायनेस्टी बोलते हैं। ये डायनेस्टी जो थी इसको यहां पर मामुल्क डायनेस्टी के नाम से भी जानते थे। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था यहां पर मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा होगा ना, तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया यहां पर, ये स्लेव था यहां पर इसको रख के चला गया अपने स्लेव को यहां पर बेसिकली दिल्ली के अंदर रूल करने के लिए। तो यहां पर इसी के चलते यहां पर इसको स्लेव डायनेस्टी बोले जाते हैं। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका स्लेव था यहां पर, मोहम्मद गोरी का स्लेव था, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर जो इल्तुतमिश था वो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इसी के साथ में इसी तरीके से आगे चलती रही। और बलबन जो था वो था यहां पर इल्तुतमिश का, यानी कि जो भी यहां पर जो लीडर आए वो सारे एक दूसरे के स्लेव हुआ करते थे। और स्लेव क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, जैसे पर्सन क्या, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी हुई ना नॉर्मली जो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी पद्मावत, तो उसमें क्या था, उसका एक स्लेव था, ठीक है, जो कि यहां पर काफी इंपोर्टेंट था उसके लिए। तो वो वाली चीज यहां पर दिखाई गई। तो स्लेव एक तरीके से इंसानों को खरीद लेना और एक प्रॉपर्टी के तरीके से यूज करना, जैसे कि जानवर होता है। तो यहां पर कौन कौन था याद रखना, यहां पर जैसे कि मोहम्मद गोरी का स्लेव था यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसी के साथ में फिर आगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था होता इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का स्लेव था बलबन। तो इसीलिए यहां पर इसको स्लेव डायनेस्टी माना जाता है कि सारे के सारे जो लीडर थे यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो यहां पर ये बनाई गई थी कुतुब मीनार, ठीक है। तो यहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे यहां पर एक सूफी सेंट थे, उनके नाम पर यहां पर ये बेसिकली कुतुब मीनार बनाई गई थी, ठीक है। और ये यहां पर जो बेसिकली इनकी डेथ हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां पर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे यहां पर, ये बेसिकली यहां पर ये माना जाता है कि ये पोलो खेल रहा था, पोलो गेम नहीं होता है उसको बेसिकली चौगन बोला करते थे। तो ये घोड़े पर बैठा बैठा था बेसिकली और गिर गया था खेलते खेलते, तो इंजरी आने की वजह से इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो घोड़े से गिर गया, तो याद रखने के लिए मतलब
कुछ भी टेढ़ा माज लगा लेना, एक ऐसे याद रखना एक घोड़ा है, याद रख लेके इमेज करो कि उसके ऊपर कुत्ता बैठा हुआ है, ठीक है। तो कुत्ता क्या हुआ, बेसिकली पैर फिसला और गिर गया, कुत्ते का सर लगा किसी लोहे में जाकर, ठीक है। तो वो जो लोहा था उसे बेसिकली पोलो खेलने की स्टिक लगा लिया, कुछ भी लगा लीजिए इस तरीके से, उसमें लगा और मर गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर के अंदर में, और दिल्ली में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्वात उल इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक मोस्क है वो बनाई गई थी यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। याद रखिएगा अजमेर में है, राजस्थान के अंदर में, राजस्थान वालों को पता होगा। और बाकी अगर बात करें यहाँ पर, ये है यहाँ पर क्वात उल इस्लाम, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर, तो इसी के अंदर यहाँ पर बनाया गया था। ये यहाँ पर जो फाउंडर था फर्स्ट तुर्किस किंगडम का नॉर्थ इंडिया के अंदर में, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। बाकी फिर कभी टाइम मिलेगा तो किसी और को भी कवर कर लेंगे, तो ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दी, ओके। आगे चलते हैं यहाँ पर, बेसिकली इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखने को मिले जो वर्स होते हैं कुरान के, वो यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली लिखे गए हैं इसके सरफेस पर कई जगह। कुतुबिनार जो है यहाँ पर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाएगी 1993 के अंदर में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, पर लेकिन क्या पूरा हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें और बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसलिए बोलता मैंने थोड़ा सा ये शॉर्ट न्यूज का नाम देकर लॉन्ग न्यूज बना दी मैंने। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसको यूनेस्को को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट कल्चर के लिए या फिर नेचुरल हेरिटेज जो साइट है उनको डिस्क्राइब किया था इसके द्वारा। तो ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला पैटर्न जब 1972 में स्टैब्लिश किया गया तो हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर कन्वेंशन में हम लोग एंट्री किए 1977 में, ठीक है। तो हम लोग 1977 में गए इसके अंदर में, तो तब से लेकर हम लोग हैं यहां पर, हमारी भी कई सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आने लगी। तो आज तक अगर आप लोग बात करेंगे तो 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमारी यहां पर बेसिकली इनके द्वारा आइडेंटिफाई की जा चुकी है। अब यहां पर अगर पूछेगी फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट कौन सा हमारी कंट्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहां पर बनी थी, तो अजंता की केव होगी, एलोरा की केव होगी, आगरा का फोर्ट हो गया और ताजमहल। तो ये चार थी हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में जब यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनी। इनको 1983 में इसका पार्ट बनाया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट। इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा, चार थी। लेटेस्ट अभी धोलावीरा आप लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिला 2021 में, इसको ऐड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है अगर गुजरात वासी आप लोगों, तो आप लोगों के स्टेट फीसेस के अंदर भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंटरनेशनल लेवल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जुलाई ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में जुलाई के अंदर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में। टोटल जब काउंट करते हैं इनको तो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं हमारे देश के अंदर में। 36 कैसे, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो कितने हो गए, 36 हो गए। तो 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से 19 ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां पर कोई ना कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है, तो भी बताया मैंने कहां पर है, तो 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना। 40 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने आप लोगों को बताई है उसमें से आप लोगों को 32 देखने को मिलेगी बेसिकली ऐसी हैं जो कि कल्चर की कैटेगरी में आती हैं। 7 देखने को मिलेगी ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, यानी कि जैसे नहीं ऐसे नेचुरल के पॉइंट से बात करें जैसे किसी पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। और एक ऐसी देखने को मिलेगी जो कल्चर और नेचुरल दोनों की कैटेगरी में आती है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया के बारे में कोई पूछ ले हमारी कंट्री कहां पर लोकेशन है, पोजीशन क्या है, तो 6th सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कंट्री में, तो 6th पोजीशन पर है हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। अब कंफ्यूजन हुआ तो फिर देखो, फिर तो यार फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेना और क्या बोलूं। एक इंपॉर्टेंट बात और बोलना चाहूंगा यहां पर मैं, थोड़ा सा एफर्ट लगा के कर लेना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो आप लोग जरूर देख लेना, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। काफी डिटेल में मैंने सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कवर कर रखी है, लाखों लोग उन वीडियो को देख चुके हैं, आप लोग भी फायदा उठाना, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, आइए अब आगे बढ़ता हूं। तो ये पूरी लॉन्ग न्यूज होगी शॉर्ट न्यूज के नाम पर, ठीक है। आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। ये जो इंटरनेशनल न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर से मिले सऊदी अरेबिया के। तो सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर से मिले, अगर आप लोग यहां पर देखोगे बेसिकली अपनी कंट्री के कंपेयर में, एक सेकंड, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। तो सऊदी अरेबिया जाएंगे तो आप लोग यहां पर सऊदी अरेबिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर यमन हो गया, ओमन हो गया और ऊपर इराक हो गया, ये आसपास वाली कंट्री होगी टच करने वाली सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया के साथ में हमारे रिलेशन जो है उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री के द्वारा सऊदी अरेबिया के साथ में कई सारे मुद्दों पर बात की गई, जैसे कि बायलेटरल रिलेशन, बायलेटरल मतलब दो कंट्री मिलकर जब रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, और इसी के साथ में कोऑपरेट करने की बात की गई मल्टीलेटरल फोरम के अंदर भी, जहां पर कई सारी कंट्री है जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है, 193 हो गया, G20 हो गया, इसमें कितने
कितने मेंबर है, टोटल 20 मेंबर हो गए। अगर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बात करें कितने मेंबर हैं ये आप लोगों को बताना है, पर इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो इनके बारे में बात की गई। इंप्लीमेंटेशन के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट साइन किया गया 2019 में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो इसका मतलब ये अब कोऑर्डिनेट करेंगे स्ट्रेटजिक मैटर पर भी, यानी कि जो स्ट्रेटजिकली काफी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्री के लिए, खासकर डिफेंस का भी एंगल आप लोगों को ऐड होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के और इसी के साथ में जो क्राउन प्रिंस है, ये दोनों मिलकर यहां पर बेसिकली ये एवरी टू ईयर मिलेंगे और आगे चीजों को लेकर चलेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या है, इंडिया फोर्थ कंट्री है यहां पर यूके और फ्रांस और चाइना के बाद में। यूके फ्रांस चाइना यहां पर ऑलरेडी इस पार्टनरशिप में, सऊदी अरेबिया की चौथी कंट्री इंडिया बन गई है। सऊदी अरेबिया जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में इंडिया के साथ में था 2010 में डिक्लेरेशन के साथ में, अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सऊदी अरेबिया क्यों हो जाता है, क्योंकि जब यहां पर अगर बात करें 1996 से लेकर 2001 तक के अंदर में तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर रूल किया था, तो उस टाइम पर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूएई ये कंट्री वो थी जिन्होंने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहां पर अभी क्या हुआ, यूएसए निकलकर चला गया, फिर से तालिबान आ गया, तो ये कंट्री हेल्प कर सकती है हमारी तालिबान के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने में, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग की बात की जा रही है यहां पर बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में, अलग अलग एरिया में, ट्रेड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एनर्जी के बारे में, डिफेंस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, कल्चर के बारे में, काउंसलर इशू हो गए, हेल्थ के इशू हो गए, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। तो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर यहां पर काम कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन होगा तो फिर दूर कर दूंगा, बताइएगा जो भी कंफ्यूजन होगा। इसका डिस्कशन इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा काफी ज्यादा, और यहां पर बाकी का देख लेंगे फिर आगे, जो भी थोड़ा बहुत एक दो न्यूज बचे हैं उनको आगे कवर कर लूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, मैंने बोला ना थोड़ा सा लेट हो गई चीज, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या बात की, तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया यहां पर। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, पर कुछ ज्यादा लेंथी भी न्यूज डिस्कस हो गई, ये शॉर्ट न्यूज भी ज्यादा बड़ी हो गई आज, सारी शॉर्ट न्यूज क्या बड़ी न्यूज हो गई सारी की सारी आज की आज। तो यहां पर फिर हम लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट बैरूद के बारे में डिस्कस किया काफी डिटेल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में प्लास्टिक के बारे में बात की, कैसे खत्म करना है, पेंगुइन के बारे में हम लोगों ने बात की बेसिकली, और हम्बोल्ट बोल्ट करंट और भी कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी, ओल्ड करंट हम लोगों ने देख ली, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार के बारे में कई सारी बातें जान ली, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में रिलेशन के बारे में बात कर लिया। तो ये थी टोटल इसके बारे में बातें। अब थोड़ा सा आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए। बात करते हैं मिनिस्ट्री के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में बात की गई है। इलेक्ट्रिसिटी कहां पर आता है ये आप लोगों को बताने। इंडिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किसके बाद में, और कंज्यूमर सेकंड है किसके बाद में। हम्बोल्ट जो बेसिकली यहाँ पर पेंगुइन है, ये यहाँ पर कहां पे पाए जाते हैं प्रेजेंट टाइम पर। एसयूपी क्या है, जो कि आईएससी बंगलोर के द्वारा यहाँ पर बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया ताकि पॉलिथीन को टैकल किया जा सके। अमोनियम नाइट्रेट में आग लगी कहां पर, कौन सी कंट्री के अंदर, दुनिया भर के लोगों की जान चली गई। कुतुब मीनार जो है बेसिकली 75 साल में पूरी की गई, ये बताना है यहां पर कौन कौन से लीडर के द्वारा इसको बनाया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब ऐड किया गया। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है क्या, तो इंडिया फोर्थ कंट्री है इसके बारे में याद रखिएगा। ये कौन कौन सी कंट्री और एग्रीमेंट साइन कर चुकी है ऑलरेडी यहां पर बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ में। रिविजन जरूर क्या कीजिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चल गया आंसर दिखा दिए, आग बंद कर लेना, ठीक है। ये देखना कि आंसर नहीं देखे आप लोगों ने, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम आप लोगों को बतानी है। लेक तंजानिका जो है वो बेसिकली सेकंड जो लॉन्गेस्ट बेसिकली यहां पर फ्रेश वाटर लेक है, पर लेकिन सेकंड डीपेस्ट है किसके बाद में, ये बताना है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर थर्ड एडिशन मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम था समुद्र शक्ति किस किसके बीच में थी, ये बताना है आप लोगों को। इसी के साथ में TRIFD की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है इस क्वेश्चन में, और यहां पर बताया किसके साथ में इसके द्वारा साइन किया गया एग्रीमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया गया। फूड सेफ्टी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताना है। ईट राइट मूवमेंट हमारी कंट्री में किस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, और यहां पर बात की जा रही है कोडेक्स, यह एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, कंफ्यूज आ जाओगे, पता नहीं चलेगा किस चीज से रिलेटेड, बोल देगा हेल्थ के बारे में बात करता है, बोल देगा आप लोगों फूड के बारे में बात करता है, एनवायरमेंट के बारे में बात करता है, आप लोग घूम जाओगे, तो घूमना नहीं दूंगा तुमको, ठीक है। तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, ये इसकी थीम हो गई। बैकल लेक है रशिया में जो कि सबसे गहरी है, फिर हो गई यहां पर लेक तंजानिका, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ ही मिलकर ये समुद्र शक्ति इंडिया की एक्साइज है। बिग बास्केट के साथ में यहां पर TRIFD काम कर रही है, इसको बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक तरीके ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में बात की जाए तो याद रखना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है इसके साथ में, और स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स तैयार किया गया तीसरे नंबर का 2018 से अब मिलाए। तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर FAO के द्वारा यहां पर ये चीजें बनाएंगी, जिसको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा जरूर बताना।
वीडियो में फीडबैक देकर जरूर जाया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कैसे आप लोगों की दुनियादारी चल रही है पढ़ाई को लेकर। और कंफ्यूजन नहीं रखना है, जिंदगी में क्लैरिटी रखो, अपनी जिंदगी में जितनी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी इंजॉय करोगे उतना। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।